नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। जी हां, दिसंबर सीटेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है, पब्लिश नोटिस जारी कर दिया गया है, सार्वजनिक सूचना जारी कर दिया गया है। देख सकते हो, आपको डिटेल दिखाई दे रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात 2 नवम्बर की तिथि में जारी किया गया सार्वजनिक सूचना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से 21 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 18वें संस्करण होने जा रहा है, जिसकी परीक्षा होगा। इसके लिए आवेदन करने की तिथि सहित संपूर्ण जानकारी जो है आप देख सकते हैं यहां पर दिखाई दे रहा है। अर्थात यह 18वें संस्करण के सीटेट की परीक्षा है, जो कि 135 शहरों में होना है और 20 भाषाओं में सीटेट की परीक्षा ली जाती है। साथियों, यदि आप सीटेट दिसंबर 2023 जनवरी 2024 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सीटेट.nic.in के ऑफिशियल साइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि की मैं बात करूं तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3/11/2023 से शुरू होगी। जी हां, आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मैं आपको बता दूं साथियों, जितनी जल्दी आप आवेदन करेंगे उतना ही आपका मनपसंद सेंटर आपको प्राप्त होगा। तो अभी आवेदन कीजिए। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है 3 नवंबर से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2023, अर्थात सिर्फ 20 दिन तक आप आवेदन कर पाओगे। आवेदन करने की तिथि जो है केवल और केवल 20 दिन है। तो जो भी साथी इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन जरूर करें। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है साथियों। जी हां साथियों, बड़ी खबर है इस वक्त की जो कि निकल कर आ रही है। देख सकते हो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ये जो जानकारी है ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया गया है, जिसको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। साथियों, आपको क्या विषय, कौन से सब्जेक्ट के साथ में सीटेट की परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा, तो मैं उसकी भी जानकारी आपको दे दूं। देखिए, यदि आप बार बार टीटी की परीक्षा फेल हो रहे हैं, अभी तक जो है टीटी का पेपर दे दे के थक चुके हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि साथियों, यदि आप लैंग्वेज का चुनाव करते हैं तो पेपर वन में देख सकते हो, यहाँ पर लैंग्वेज वन की मैं बात कर रहा हूँ, भाषा वन में आप हिंदी विषय का चुनाव जरूर करें और भाषा टू में आप अंग्रेजी विषय के बजाय संस्कृत विषय का चुनाव करें। और संस्कृत विषय के साथ में यदि आप टेट की परीक्षा देते हैं तो आप निसंदेह जो है अंग्रेजी विषय की तुलना में जल्दी सफल होते हैं। और आंकड़े भी बताते हैं साथियों कि जो 90% जो सीटेट में पास होते हैं वे सबसे ज़्यादा जो है संस्कृत विषय के साथ जो सीटेट की परीक्षा देते हैं वही जो है पास होते हैं। तो आपके लिए मैं पुनः बता दूं, यदि आप बार बार टेट की परीक्षा में असफल हो रहे हैं और इस बार मुझे पास होना ही है, यदि आपका ये लक्ष्य है तो अभी आप ज्वाइन कीजिए। अभी जब आवेदन करेंगे तो आप जो है पेपर वन हो या पेपर टू हो, प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी हो, दोनों के लिए आप जो है लैंग्वेज चयन करते हो तो भाषा वन में आप हिंदी का चयन करो और भाषा टू में आप संस्कृत का चयन करो। जी हाँ साथियों, यदि आपका ये चयन होगा तो आपका जो है सीटेट की परीक्षा आसानी से क्लियर हो जाएगा। और यही नहीं, मैं आपको साक्षात जो है प्रमाण के साथ बोलता हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र जिनको मैंने सजेशन किया था वो संस्कृत विषय लेकर के जनरल कैटेगरी होकर भी 90+ लेकर के पास हो गए हैं। तो यदि वो साथी जो लगातार फेल हो रहे थे और पास हो गए, तो आप क्यों नहीं, जी हाँ हाँ हाँ, आप क्यों नहीं, आप भी पास हो सकते हैं सीटेट की परीक्षा में, इस बार अवश्य सफल होंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, सीजी जॉब एजुकेशन से जुड़े रहें, क्योंकि आज से सीटेट की लाइव क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, सीटेट की लाइव क्लासेस आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल दबाएं, ताकि आपको सीटेट की बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस जो है सीजी जॉब एजुकेशन के माध्यम से मिल सके। तो बड़ी खुशखबरी है इस वक्त की जो कि निकल कर सामने आ रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।